ये भी कहा था कि तुम देखते ही उस नागिन को पहचान लोगे। अब इतने सारे लोग हैं यहाँ इस घर में, इनमें से कैसे पहचानोगी उस नागिन को? पहचान लूंगी, सिर्फ उस वक्त जब नागिन अपने असली रूप से निकलकर किसी और के रूप में आएगी तो मैं जान लूंगी, पहचान लूंगी कि नागिन आती है। उसकी महक बता देगी, दुश्मन है, और हम लाखों की भीड़ में दुश्मन को सूंघ लेते हैं। उनकी गंध बता देती है कि वो आ गई। अभी इसी वक्त शिवन्या से मिला होगा, किसी भी हालत में वो आ गई है, नागिन यहीं गई है। इसी पार्टी में इन्हीं लोगों के बीच आस पास है, बहुत पास है। यहाँ इस पार्टी में तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? नागिन चाहे किसी का रूप ले ले, किसी का रंग ले ले, हमारी नजर को वो नजर आ ही जाती है। चलिए साथ चल के देखते हैं कि उसकी चाल क्या है। चलिए सकते हो, तुम इसका पीछा कर रही हो। ये दिव्या नहीं, ये नागिन है, जिसे आप ढूंढ रही है और जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। उसका दर्द है, आपका दर्द नहीं। वो आपके अपने भी है। निशानी मिल गई उसकी, अब कहानी भी मिल जाएगी और उसका अफसाना बता दूंगी मैं आपको कि वो नागिन है। नागिन, आपका कमरा कहाँ है? वहीं चलते हैं। चलिए। पता नहीं इस खून किससे क्या साबित करने वाली है। ये रहा आईना, आईना चेहरा दिखाता है, वो चेहरा जो सिर्फ आईना देखता है। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन आईना नहीं। तुम करना क्या चाहती हो? आप देखना क्या चाहती है, नागिन कौन? अब मैं आपको नागिन दिखाऊंगी, देख लो नागिन को। मौसम की पहली मुलाकात मुबारक हो नागिन, अच्छा लगा। तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वो नागिन, वो पहली वाली नागिन है, मैंने इसे देखा है, जानती हूँ मैं इसे।
ये नागिन इसी घर में आपकी भतीजी दिव्या का रूप लेकर घूम रही है। कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया है। पर वो इस पार्टी में क्यों आई है? जाओ जाकर पता लगा वो इस पार्टी में क्या कर रही है। वो भी सामने आ जाएगी और उसके आने की वजह भी। ये जो थिरक रही है ना, वो आपकी भतीजी दिव्या है। और ये जो किचन की तरफ जा रही है, वो नागिन है। अच्छा, हम जाकर देखते हैं वो यहाँ क्या करने आई है। पता नहीं अब वो किसे डसेगी। डसेगी नहीं, फंसेगी, क्योंकि अब उसका दुश्मन आ गया है। और उसका दुश्मन दुश्मनी निभाएगा, उसका असली चेहरा सामने लाएगा। चलो चलो शिवन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शेषा, तुम यहाँ? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? शिवन्या, मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन तुम्हारा ये तस्वीर देखना जरूरी है। ये? इस तस्वीर में तो वही इंसान है जो देवी में। ये तो ऋतिक के असली पिता है शेषा। कब से ढूंढ रहा आपको पार्टी में, कहाँ चली गई थी आप? एक जरूरी काम था बेटा, बाद में बात। माँ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। बाद में बात करते हैं बेटा, प्लीज। माँ, मुझे नागमणि के बारे में बात करनी है। नागमणि? क्या बात है बेटा? माँ, वो नागमणि कहाँ है? आई मीन, आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं वो नागमणि देखना चाहता हूँ। मतलब कोई वजह नहीं है, बस ऐसे। वो नागमणि तू क्यों देखना चाहता है? तू तो अपने हाथों से लेकर आया था ना, फिर अचानक क्यों? देखो बेटा, वो नागमणि ना बहुत कीमती है ना, कोई उसे छू ना ले, कोई उसे चुरा ना ले, इसलिए तुम्हारे पापा ने बहुत संभाल के रखी है। तू उसकी चिंता मत कर। वो नागमणि जहाँ पर भी है, आपने देखी है ना, मतलब वो वही है ना। मुझे उस नागमणि से ज्यादा तेरी फिक्र हो रही है। मेरी असली नागमणि तो तू है ना। और रही बात नागमणि की, तुम्हारे पापा ने बहुत संभाल के रखी है। पार्टी खत्म होते ही तू उसे देख सकता है। मेहमान मेरा इंतजार करे। अच्छा, मैं चलती हूँ। यामिनी जी इनके पीछे क्या कर रही है? अगर यामिनी जी ऋतिक की असली माँ है तो ये औरत कौन है? और अगर ये औरत ऋतिक की असली माँ है तो यामिनी जी कौन है? जरूर यामिनी जी का इस इंसान के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। यामिनी जी ऋतिक की असली माँ है भी या नहीं? शेषा, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ मिली? लगता है कोई आ रहा है, मैंने पैरों की आहट सुनी है। जाओ यहाँ से। वो नागिन मेरे घर में किचन में क्यों गई थी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हमारे खाने में अपना जहर डालने गई थी? वो जहर हमें खिलाकर हम सबको मारना चाहती है? तुम्हें क्या लगता है? वो किचन में जहर डालने नहीं गई थी, वो कोई दूसरा जहर है इस घर में जिसको मिलने गई थी। वो इस घर में किसी और को मिलने आई थी। क्या? घर में किसी और को मिलने आई थी तो फिर किचन में क्यों गई? किचन में तो कोई भी नहीं था, तो फिर किससे मिलने गई वो? मैं वही सोच रही हूँ कि किचन में कोई नहीं है, वहां पर क्या कर रही थी वो?
नागिन इसके लिए आई थी। नागिन आपके बहू को मिलने आई थी। मतलब यकीन नहीं हो रहा था, आप यकीन हो गया कि आपकी बहू एक नागिन है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आपके बहू के आसपास मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी, इतनी अजीब सी बदबू आती थी, क्योंकि वो एक नागिन है। वो हम सबको मारना चाहती है ना? हाँ। इसलिए उसने उन तीनों को ठिकाने लगा दिया है ना? हाँ। मैं इस घर में रह रही हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है? एक मौसम ही बह गई तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? समझी, अब समझी मैं कि तू मेरी बहू को नागिन क्यों कह रही है, क्योंकि अब तुम्हारी नजरों में मेरा बेटा जो बस गया है। तुझे क्या लगता है हिंदी सीरियलों का सास बहू का ड्रामा चल रहा है क्या, कि मैं अपनी बहू को नागिन बुलाऊंगी? चलो मैं मान लेती हूँ कि मेरी बहू नागिन है, लेकिन तुझे साबित करना होगा कि वो नागिन है। उसे पकड़ के दिखाओ, मेरी आंखों के सामने लाकर दिखाओ। ठीक है, तो आपके बहू की सबसे कीमती चीज क्या है? कौन सी वो चीज है जिसे वो बहुत मानती है? ज्वेलरी में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। घर की चाबी तो मैं उसे नहीं दूंगी, मनी हमारे पास है नहीं, ढंग के कपड़े तो पहनती ही नहीं। हाँ, वो मंगलसूत्र को अपने पास रखती है। मंगलसूत्र मतलब वो उसकी सबसे कीमती चीज है और वो उसे अपना रक्षा कवच मानती है, यानी कि उसका मंगल और उसका सूत्र उसके मंगलसूत्र से जुड़ा हुआ है। तो जाइए उस मंगलसूत्र को ले आइए और अभी इसी वक्त मैं उस नागिन का पर्दाफाश कर दूंगी। सबसे कीमती चीज चाहिए थी मुझे, उसकी मिल गई। जाइए ले आइए। हाँ, जाती हूँ। रितिक, क्या हुआ बेटा? पार्टी हो रही है, खुशियों का माहौल है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? और देखो, अगर मेरी बहू को अकेला छोड़ा ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं मां। चलो मेरे साथ। और तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरे बेटे ने कुछ कह तो नहीं दिया ना? अगर ऐसी बात है तो बोलो, अभी क्लास लेती हूँ इसकी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये क्या, हम अकेले तुम अकेले? देखो सब डांस कर, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी डांस करो बेटा। चलो बेटा। रितिक मेरी बात सुन, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सलामत से रहो, हिफाजत से रहो। रितिक, जैसे मुसीबतों में तुमने मेरा साथ दिया, मैं वही साथ देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे देने दो,
मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करके तुम मेरा साथ दे दिया, ये कैसा साथ है शिवन्या? फिर तो मुझे चले जाना चाहिए बेटे। अगर मैं गलत हूं तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं, मैं इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, बस एक बार मुझे गलत साबित कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऋतिक, एक बार उस नागमणि के बारे में पूछ तो लो, एक बार उस मणि को देख तो लो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, ऋतिक मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी विनती है तुमसे। अब इसका क्या करोगी? आपको तो मोरनियों की बस्तियों में होना चाहिए, मन बड़ा मचलता है आपका। अब देखिए मैं इसका क्या करती। बहू कहाँ है आपकी? बहू कहाँ है आपकी? जाइए देखिए उसे, उसका असली रूप जाकर देखिए, आज वो आपको नजर आ जाएगी। आज तक जो थी वो नहीं थी, आज जो है वो वही है, वो नागिन है नागिन। और मैं उसकी दुश्मन, खूबसूरत दुश्मन। दुश्मन को देखिए, दुश्मन ही देखिए। मोर मोर मोरनी मोरनी हूं मैं। ना तो आज चांद है, ना ही चांदनी रात है, फिर मैं मेरा ये नागिन रूप क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तक तो शिवन्या यही थी, कहाँ चली गई? इस सांप को मैं जितना डर पाऊंगी उतना डर तुझे होगा शिवन्या।
हैरानी, ये परेशानी, ये पसीना, वो खूबसूरत हसीना आपकी बेचारी बहू नागिन निकली, उसका रूप उड़ गया और आपका रंग। अगर मैं उसका रूप पहले देख लेती तो मैं भी उसका रंग उड़ा ही देती। तो जाइए उड़ाइए उसका रंग, कहीं आपको एक फूंक में उड़ाना दे। मुझे डरा रही हूँ तुम? नहीं, चता रही हूँ, मैं मयूरी। तो मयूरी हो तभी तो पहचान पाई कि वो नागिन है, वरना जो तुम्हारी फितरत है ना वही मेरी। अगर मैं जान जाती तो मैं भी उसकी जान ले ही लेती। अच्छा, इस उम्र में इतनी अदा, मैं तो फिदा हो गई। अब आप भी थोड़ा मुझ पर फिदा हो जाइए, क्योंकि जो गुरु माँ ने, गुरु माँ ने तुम्हें ये शक्तियाँ दी थी, उन्हीं शक्तियों की वजह से आज तुम ये पहचान पाई कि मेरी बहू नागिन है। जो कोई और नहीं पहचान पाया, जो इस घर का प्यार सबकी सहेली थी, वही इस घर की सबसे बड़ी पहेली थी। नागिन आस पास थी, दिलों में, रिश्तों नातों में, जिसे मैंने पहचान लिया और कोई नहीं पहचान पाया। मेरी अपनी बहू नागिन, कभी सोचा नहीं था, कभी माना नहीं था, अब तो मान लिया ना, मैंने साबित कर दिया आपकी आंखों के सामने। है मयूरी, नागिन की जानी दुश्मन, नागिन मेरे सामने आए और मेरी नजर में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कहा था दो नागिन, दोनों को आपके सामने ला दिया, दोनों का चेहरा दिखा दिया, लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली है ना, अब बताइए आप क्या करेंगी दोनों का? अब मैं जो करने वाली हूँ वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। ये दोनों नागिन मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे इतने दिनों से। बचपन में बहुत खेल खेल लिया, अब तो जवानी में फिर से। जवानी में बुढ़ापा और बुढ़ापे में जवानी आ ही जाती। अब आगे का खेल मैं खेलूंगी और तुम दोबारा इस मंगलसूत्र को अपने मुंह में डालकर चबाते मत रहना, अभी इतना ही काफी है। अब अपने इस किरदार को साइलेंट में डालना, क्योंकि अब मैं वॉयलेंट होने वाली हूँ। आगे का खेल मैं खेलूंगी, कैसे खेलूंगी देखते रहना मयूरी। तू मयूरी तो मैं चोरनी। ये क्या हो गया था मुझे? मेरा नागिन रूप क्यों आ गया था? बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे जैसे कोई हो आसपास मेरे पास, कुछ अजीब सी शक्ति जो दिखाई नहीं दी पर अपना असर दिखा गई। क्या हुआ शिवन्या, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या लगा कौन आया है? मैं आई हूं तुम्हारी सास। तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? खुश रहो, चलो नीचे चलो। मैं समझ गई कि ऋतिक ने तुमसे कुछ कह दिया। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी क्लास लेती हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। नीचे आओ ना बेटा। क्या हुआ? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं ऊपर चली आई। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है ना? अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ, अपनी बहू के बारे में मैं ही तो जानूंगी ना। चलो बेटा, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेहमानों का इतना ख्याल रखती हो तुम, अपना ख्याल रखना भी तो सीखो। सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हो तुम, बराबर? अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। चलो मेरी बच्ची, चलो मेरे साथ चलो। शिवन्या बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम फिर यहाँ खड़ी हो गई? चलो मेरे साथ। माँ, आपने ये अंगूठी क्यों पहनी है? ये अंगूठी
वो क्या है ना बेटा, ऋतिक और एंकी जी ने मुझे दी, और ये अंगूठी तो है जो हमारी रक्षा करता है उस नागिन से। वो नागिन तो हम सबको मारने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये अंगूठी पहन ही लूं। अब मुझे ही तो संभालना है ये घर। चलो चलो बेटा, कुछ खा लो, चलो चलो। माँ, हाँ माँ, रहने दीजिए, मैं बाद में। तुम मेरी बहू नहीं हो, और एक माँ अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? इसलिए मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे करने दो, मुझे मत रोको, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। चलो बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। कर लेती हैं आप। नागिन मेरे सामने थी, मुझे उसे मारना था, मारने क्यों नहीं दिया मुझे? सोचना भी मत। क्यों? जिंदा रखना चाहती हैं आप? अपनी मौत को बुलाना चाहती हैं? नहीं, नागिन को बुलाना है। नागिन आंखों के सामने। मैं उस नागिन के बारे में नहीं बात कर रही जो मेरी नजरों के सामने है, मैं उस दूसरी नागिन के बारे में कब बात कर रही हूँ। ये जिंदा रहेगी तभी तो वो यहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी तभी तो वो जान से जाएगी। न्योता भेजा है मैंने उस नागिन को, इस नागिन को जिंदा रखे, जो उसकी राजदार है, जो उसकी मददगार है। सुना है, ये दोनों एक दूसरे की ताकत है। सबसे पहले उस ताकत को तोड़ना होगा। ताकत गई, नागिन गई। तो मुझे क्या करना है? मंजीरे बजाने हैं। अपनी चूश को होश में रख, चुपचाप रहना है तुम्हें। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि शिवन्या नागिन है। दूसरी बात यह है, उस नागिन को मेरे बेटे से दूर रखना तुम्हारा काम है। मैं नहीं चाहती वो नागिन मेरे बेटे के पास आए। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और फिर मेरी जान। मेरा मतलब है, मेरी नागमणि का रिमोट है वो, उस रिमोट को कंट्रोल में रखना है। नागिन से दूर, नजर के सामने। ये निशान, ये तो किसी जानवर का लगता है, पर ये तुम पर कैसे आया? किसने किया तुम पर वार शिवन्या? यही तो हैरानगी है शेषा, कि किसी ने मुझ पर वार नहीं किया और फिर भी ये निशान आ गए। ये सब उस पार्टी के दौरान हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई निगल रहा हो, मुझे कोई चबा रहा हो, कोई मेरा गला दबा रहा हो, दम घुट रहा था मेरा। पता नहीं कैसे अचानक मेरा नागिन रूप बाहर आ रहा था। मेरे ना चाहते हुए भी मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे सहन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई खा रहा हो। शिवन्या, कहीं वो नेवला फिर से तो नहीं आ गया? नहीं, वो जो कोई भी था शेषा, नेवले से कहीं ज्यादा बदतर, कहीं ज्यादा भयानक था। हो ना हो, रूमा ने फिर से कोई दुश्मन पैदा कर दिया हमारे लिए। पता नहीं वो बुढ़िया कब पीछा छोड़ेगी हमारा। शेषा, मेरे चारों तरफ मुश्किलें, न जाने कब कौन कहां से वार कर दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक नहीं, कई चुनौतियां हैं मेरे सामने। ऋतिक की जान खतरे में, और वो मानने को तैयार नहीं कि उसका पापी उसका कातिल है। उस पांचवें कातिल के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। नागमणि जो मिली थी वो भी चली गई। ये सब कुछ एक तरफ, दिन रात हर घड़ी हर पल मुझे अपने माँ बाबा की चीखें सुनाई देती हैं। उनका इंतकाम पाना है मुझे, एक बेटी का फर्ज निभाना है, उन कातिलों को खून के आंसू रुलाने हैं। मुझे जो भी कुछ करना पड़ जाए मैं करूंगी। पर इस बीच अगर हमारा ही कोई दुश्मन हमारे सामने आ जाए तो अपना इंतकाम कैसे पाऊंगी? शिवन्या, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये इंतकाम जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। साथ लड़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। मैं जाके देखती हूँ कि ऐसा कौन था पार्टी में जिसने ये अनदेखा अनजाना वार किया है तुम पर। हो ना हो, गुरुमा ने ही ये जाल बिछाया है, और अगर ऐसा है
तो गुरुदेव को इस बात का आभास हो जाएगा। शिवान्या, पहले मैं जाके गुरुदेव से बात करूंगी, और रही बात नागमणि की, तो उस तक पहुंचने के लिए ऋतिक के पिता का पीछा करना होगा। मैं उसका पीछा करते हुए गई थी, पंचनेर की हवेली तक गई थी, लेकिन फिर न जाने वो कहां गायब हो गया। मैं उसे देख नहीं सकी। मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता शिवन्या कि वो इस समय कहां है। एक वो दिन थे, एक वो दुनिया, जब हमारे वंश के वंशज और इच्छाधारी नाग नागिन मिलके नागमणि की रक्षा करते थे। हमारे मन में नागमणि के लिए कभी कोई लालच नहीं था, भक्ति थी, उस भक्ति की शक्ति थी, शिवजी की शक्ति। शिवजी ने चुना था हमें उस मणि की रखवाली के लिए। इच्छाधारी नाग नागिन दिलो जान से उस मणि की रखवाली करते, नागमणि के लिए जीते और नागमणि के लिए मरते। आप लोग सालों से नागमणि की रक्षा कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं आपकी भक्ति देख के। नागमणि का लालच ना हमें है ना आपको, ये हम जानते हैं, पर राजमहलों के, हमारे ही घराने के कुछ बुरे लोगों की बुरी नजर नागमणि पर है। इसकी कीमत करोड़ों में है, और ऐसी बेशकीमती मणि की नीलामी के लिए विदेशी बड़ी से बड़ी बोली लगा देंगे, उसे पाने के लिए मर मिटेंगे, क्योंकि इस नागमणि में ऐसी शक्ति है जो उन्हें दुनिया पर फतेह करने की ताकत दे सकती है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम ये मणि किसी को ले जाने नहीं देंगे। हम इच्छाधारी नाग नागिन बने ही इसकी रक्षा के लिए हैं, और मिटेंगे भी इसकी रक्षा के लिए। एक यही राजमहल है जहां इच्छाधारी नाग नागिन है, जब तक आप हैं वो नागमणि सुरक्षित है, पर उसके बाद अगर हमें कुछ हो भी गया तो हमारी औलादें इस मणि की रक्षा करेंगी, वो हमारी जगह लेंगी। हम भी आपको वचन देते हैं कि हमारे बाद हमारी संतान मणि की रक्षा करेगी। राज्य साम्राज्य रहे ना रहे, मणि के रखवाले हमेशा रहेंगे, क्योंकि शिवजी ने स्वयं चुना है हमें मणि के रखवाली के लिए। पर कुछ साए नजर आ रहे हैं जिनकी पूरी नजर नागमणि पर है। मैं जानता था उन पापियों की नजर थी उस मणि पे। उन पांच पापियों ने मणि के लिए इच्छाधारी नाग नागिन की हत्या कर दी। उन पांचों में एक तो मेरी अपनी ही थी, मेरी अपनी बहन, और उस इच्छाधारी नागिन की एक बेटी भी थी। वो कहां है अब? वो भी इच्छाधारी नागिन है, उसे भी मेरी बेटे की तरफ शिवजी का वरदान है। शिवजी ने उसे भी चुना है मणि की रखवाली के लिए, फिर वो कहां है? मुझे शिव मंदिर जाना होगा, पता लगाना होगा कौन थे वो लोग जिन्होंने मुझे बचाया, उनका मकसद क्या था। वो दोस्त थे या दुश्मन? कौन है? कौन है? बताओ ना कौन है? सबसे पहले मुझे अपनी चाल और अपना जाल बिछाने दे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तेरे से भी ज्यादा। चल अपना हाथ दे। नहीं नहीं, डस लो यार। चुप कर, हाथ दे अपना। अरे हाथ दे ना अपना। ये जो तेरा रक्षा कवच है ना, इसे बहुत संभाल कर रखना, कभी उतारना नहीं, क्योंकि ये अंगूठी हटी और दुर्घटना घटी वो नागिन नहीं कही है। आसपास मैंने देख लिया उसे, और उसकी हिट लिस्ट में ना सबसे पहले तेरा ही नाम है माली। संभाल के रख अपनी जान को। कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। क्या है? क्या? मुझे कुछ नहीं होगा पंचनेर की राजकुमारी, मेरी जान सुपर सेफ है, जानती है कैसे? दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, मैं तुझे बताता हूं कैसे। हाथ दे अपना, हाथ दे। ये जो सुरक्षा कवच जो पहना हुआ है ना, ऐसे तीन चार और पहन ले। जानती है क्यों?
क्योंकि नागिन जानती है कि चौथा कातिल कौन है, यानी कि मैं। लेकिन नागिन ये नहीं जानती है कि पांचवा कातिल कौन है, और पांचवा कातिल कौन है ये चौथा कातिल जानता है, यानी कि मैं। मैं चाहूं ना तो नागिन को बता सकता हूं कि पांचवा कातिल कौन है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ज्यादा मैं मत किया कर, बली चढ़ते देर नहीं लगती माली। सुन, अगर तूने अपना ये मुंह खोल लिया ना तो नागिन से भी जहरीला जहर मैं तेरे मुंह के अंदर डाल दूंगी, आग लगा दूंगी मैं तेरे मुंह में। सुन, तेरा बेटा फिर से वो नागमणि देखना चाहता है। फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तेरे पापा ने बहुत संभाल कर रखी है उसे। ये भी मेरे सर पे डाल दिया। क्या हुआ? अब तो बड़ा उछल रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नागिन को हैंडल कर सकता है, अपने बेटे को नहीं। देख, मैं कह देती हूँ भाई, मैं तो इस गेम से हटी। अब वो जाने और वो जाने, संभाले अपने नकली बेटे को या फिर एक दिन असली वो दिखाई नहीं देगा। डैड, डैड मैं आपके पास ही आ रहा था, मुझे वो नागमणि देखनी है। हाँ, वो तुम्हारी माँ बता रही थी कि। पर बेटा मैं नागमणि तुम्हें दिखा नहीं सकता। क्यों डैड? क्यों क्या, बेचती मैंने। क्या बेचती? डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था वो नागमणि हमारे घर की रक्षा के लिए लानी है, फिर आपने बेच के। बेचनी पड़ी, क्या करता, बेचनी पड़ी। कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो गया था, नहीं बेचता तो क्या करता पता? चाहे घर की रक्षा हो या फिर कंपनी की रक्षा, बात तो एक ही है ना। डैड हमारी कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ है। यही देखना चाहता था, यही देखना चाहता था कि एक बेटे को अपने बाप पर कितना विश्वास है। आज तूने मेरा दिल दुखाया। तू क्या सोचता कि मुझे पता नहीं था कि तू अपनी जान पर खेलकर नागमणि लेकर आया? मैं इस बात को भी अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मनी माइंडेड नहीं है, फिर भी तुझे नागमणि देखती थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि किसी ना किसी ने तेरे दिमाग में शक का कीड़ा जरूर बोया है। ये माली तो आज ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर गया। दम है बुड्ढे में। ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये ऐशो आराम मैंने दिन रात मेहनत करके किसके लिए कमाया? बोल। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। तू इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मैं इस घर के ऊपर और तेरे ऊपर अपने जीते की कभी आज नहीं आने दूंगा। डैड तुझे नागमणि देखनी है ना, चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूं। आ, मैं दिखाता हूं। अब ये नकली बाप नकली नागमणि कहां से ले आएगा? लगता है कुछ ज्यादा ही बाप के कैरेक्टर में घुस गया ये। मैं तुझे दिखाता हूं नागमणि। नागमणि तो है ही नहीं, तो ये क्या दिखाएगा? आज इसका सच सामने आ जाएगा। तुझे नागमणि देखती है ना? ये क्या कर रहे आप? ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। को भरोसा है। एक बेटे ने अपने बाप पे शक किया है। जरूरत है। चुप रहिए आप। चुप रहिए। एंजी क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे आप। एक बेटा क्या कर रहे हैं? पापा से ये सब कुछ क्यों करवा रहे हो तुम? नहीं मुझे मत रोकिए, मत रोकिए मुझे आज। आज मत रोकिए। कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे यकीन हो गया है। नहीं है, नहीं है, नहीं, उसको यकीन नहीं है मुझ पे, नहीं है। ये देख, ये रही तेरे नाम,
जी थैंक यू जी। तो बुढ़ा जानता था ये फिसलने वाला है, नकली नागमणि तैयार रखी थी। वाह आज पहली बार तूने कमाल किया है माली। सॉरी डैड मुझे नागमणि देखने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। कैसे कर संभालो अपने आप को। मुश्किलें और बढ़ रही हैं। तुम्हें कैसे बताऊं कि ये नागमणि भी नकली है और तुम्हारा ही बाप भी, ये तुम्हें मार देना चाहता है। नहीं आंटी जी। बस अगली बार मेरे मॉम डैड पे शक करने से पहले 100 बार सोच लेना शिवन्या। तुम्हारे मन में ये शक आ भी कैसे सकता है? आज जब मैं घर पर जिंदा लौटा था तो उनके जान में जान आ गई थी और मैंने तुम्हारे कहने पर उनका दिल तोड़ दिया। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सोच सोच के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है शिवन्या। आइंदा से मेरे घर वालों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, बड़े बड़े इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। और आज क्या कहा था तुमने जब मेरे डैड के खिलाफ वो बात कही थी? क्या कसम खाई थी तुमने बताओ? तुमने कहा था कि अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी, मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाओगी। तो तुम गलत साबित हो चुकी हो शिवन्या। गलत हो तुम, गलत हो तुम।